हिमाचल में कैबिनेट विस्तार को लेकर अंदर खाते घमासान तेज हो गया है। सूत्रों की माने तो अब कांगड़ा जिले में स्थिति लगभग क्लियर हो गई है, मगर शिमला जिले में अभी भी पेच फंसा हुआ है। शिमला में ये पेच सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के करीबी रोहित ठाकुर व अनिरुद्ध सिंह, हॉली लॉज के मोहन लाल ब्राक्टा तथा सोनिया गांधी के खास ठियोग के विधायक एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर की वजह से फंसा है, जबकि विक्रमादित्य सिंह का नाम सीएम सुक्खू कई बार सार्वजनिक तौर पर मंत्री के रूप में अनाउंस कर चुके हैं। ऐसे में शिमला में मंत्री दो अधिकतम तीन बनने हैं और दावेदार पांच है। सुखविंदर सुक्खू अब ना तो अपने करीबी दोनों विधायकों को, ना हॉली लॉज और ना सोनिया गांधी के करीबी राठौर को नजरअंदाज कर पा रहे हैं। शिमला के इन पांच दावेदारों की वजह से कैबिनेट विस्तार एक सप्ताह से लटका हुआ है। सूत्रों की माने तो सीएम सुखविंदर सुक्खू ने आज दिल्ली में प्रदेश प्रभारी के साथ इसे लेकर चर्चा की है। बताया जा रहा है कि कल तक चर्चा के उपरांत इस लिस्ट को हाईकमान की मंजूरी के लिए भेजा जा सकता है। इस बीच भारत जोड़ो यात्रा से लॉबिंग करके राजस्थान से वापस लौटे मंत्री पद के सभी दावेदार दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। सभी अपने अपने लिए लॉबिंग में जुटे हैं, इससे कैबिनेट विस्तार और भी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। सीएम व डिप्टी सीएम के अलावा अधिकतम 10 मंत्री और 2 स्पीकर व डिप्टी स्पीकर लगाए जा सकेंगे। संभव है कि अभी 10 में से 8 मंत्री ही तैनात किए जाएंगे, जबकि मंत्री की रेस में नाम 18 से 19 दावेदारों के हैं। फिलहाल ये एमएलए मंत्री पद की दौड़ में है। शिमला जिले से रोहित ठाकुर, विक्रमादित्य सिंह, अनिरुद्ध सिंह, कुलदीप राठौर और मोहनलाल ब्राक्टा मंत्री की रेस में हैं। वहीं बात कांगड़ा जिला की करें तो कांगड़ा से अधिकतम 3 मंत्री बनेंगे, मगर अभी चंद्र कुमार और सुधीर शर्मा का नाम ही फाइनल हो सकता है। तीसरे मंत्री के रूप में संजय रत्न, केवल सिंह पठानिया, आशीष बुटेल में से भी किसी एक को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मंत्री पद मिल सकता है। चंबा जिले से कुलदीप पठानिया, सोलन से धनीराम शांडिल, संजय अवस्थी में से एक और किन्नौर से जगत सिंह नेगी, लाहौल स्पीति से रवि ठाकुर, सिरमौर से हर्षवर्धन चौहान, घुमारवी से राजेश धर्माणी, हमीरपुर से राजेंद्र राणा, कुल्लू से सुंदर सिंह ठाकुर को मंत्री पद मिल सकता है। इन्हीं में से स्पीकर या डिप्टी स्पीकर की तैनाती भी की जानी है। कांग्रेस सरकार में सबसे वरिष्ठ एमएलए धनीराम शांडिल डिप्टी सीएम पद के लिए अड़ सकते हैं। सुधीर शर्मा भी अपने लिए बेहतर पद की मांग कर रहे हैं, हालांकि उनका मंत्रिमंडल में स्थान लगभग तय माना जा रहा है।